हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग और टाइटनिंग हिबिस्कस फेस मास्क बनाएंगे। ये फेस मास्क हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को बहुत ही फेयर बनाता है। ये हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारे साइंस ऑफ एजिंग जैसे कि फाइन लाइंस और रिंकल्स के प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन एकदम यूथफुल, स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाती है। तो आइए इस मैजिकल फेस मास्क को बनाना शुरू करते हैं। हिबिस्कस फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये 2 बड़े चम्मच हिबिस्कस पाउडर लेंगे। ये पाउडर आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। या फिर आप चाहें तो गुड़हल के फूल को सुखाकर घर पर भी इसका पाउडर बना सकते हैं। हिबिस्कस पाउडर हमारे हाइपर पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स को रिमूव कर हमारे स्किन टोन को इवन बनाता है। ये हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और साथ ही हमारे एनलार्ज पोर्स को श्रिंक कर हमारी स्किन को बहुत ही टाइटन बनाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमारी स्किन पर एज अ क्लेंजनर का काम करता है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमें एक्ने और पिम्पल्स होने से बचाता है। साथ ही हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट, सन टैन और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद यानी कि हनी ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाता है। और अब हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी स्किन को ठंडक तो देता ही है, साथ ही हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ भी बनाता है। मैंने ये मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लास्ट में इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दही ऐड करेंगे। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाती है, साथ ही हमारी डल और ड्राई स्किन को डीप मॉइस्चराइज भी करती है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देखिए किसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। तो ये हमारा हिबिस्कस फेस मास्क बनकर एकदम रेडी है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस मास्क को अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद इसे अपने फेस और नेक एरिया पर इस तरह थिन लेयर में इवनली स्प्रेड करें। और इसे इस तरह इवनली स्प्रेड करने के बाद आप इसे अपने फेस पर 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह लगा छोड़ दें या फिर जब तक लगा रहने दें जब तक कि अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और 20 से 25 मिनट बाद आप अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। इस फेस मास्क के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसे हफ्ते में 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग इसके 2-3 एप्लीकेशन के बाद आप देखेंगे कि आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन काफ़ी फेयर हो जाएगा, आपके एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और साथ ही आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे। तो आप भी इस फेस मास्क को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।